हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। तो देखिए, अपने बोगनवेलिया को चाहते हैं कि बहुत सारे फ्लावर्स आते रहे, हर हमेशा आते रहे। तो इस वीडियो को देखिए और पूरी जानकारी लीजिए। पूरी जानकारी भी दूंगी कि क्या क्या करना है। तो अभी तो मेरे बोगनवेलिया प्लांट जो है फ्लावर दे के स्पेंड हो चुके हैं, तो इनकी प्रूनिंग करूँगी। जितने भी सूखे हुए फ्लावर्स हैं वो सभी को काट दूँगी, और जो भी एक्स्ट्रा जो स्टेम्स गए हैं वो भी कट करके निकाल दूंगी। तो इस तरह से आपको करते रहना है। जब भी फ्लावर स्पेंड हो जाए तो एक बार फिर से प्रूनिंग कीजिए, फिर फ्लावर आने लगेंगे, फिर से इनमें फ्लावर्स आते रहेंगे। और फर्टिलाइज़र भी साथ में करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ प्रूनिंग ही करना है, हर 20 डेज पे इसको फर्टिलाइज़र करते रहिए। सरसों की खली, नीम की खली का लिक्विड तैयार करके दीजिए, और वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड तैयार करके दीजिए, या फिर यूं ही दे दीजिए, दो मुट्ठी एक मुट्ठी अपने गमलों के अकॉर्डिंग से। या तो देखिए, एक ही गमले में दो तरह के मैंने बोगनवेलिया लगाए हैं। दो कलर है, एक येलो है एक पिंक है। तो दोनों की कटिंग मैं साथ में ही कर रही हूँ। और अभी मेरे दो और भी बोगनवेलिया प्लांट लगे हुए हैं जो खिल रहे हैं, बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। उनकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है, तो वो भी खिल रहे हैं। उनको भी फर्टिलाइज़र मैंने किया, और पूरे धूप में रहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ये फ्लावर प्लांट है, इनकी केयर कीजिए थोड़ी सी। तो हर हमेशा ये रुक रुक के फ्लावरिंग करते रहते हैं, थोड़ी केयर करनी पड़ती है जब हम लगाते हैं इन्हें पॉट में। तो अगर ज़मीन पे लगाते हैं तो कोई केयर की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम पॉट में लगाते हैं तो थोड़ी केयर करनी चाहिए, अच्छी सी शेप देनी चाहिए इन्हें। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं हमारे गार्डन, इनमें भर भर के फ्लावर्स आते हैं। पत्तियाँ कम दिखते हैं और फ्लावर्स ज़्यादा दिखते हैं, तो थोड़ी केयर कीजिए। देखिए, मैंने जितने भी एक्स्ट्रा जो स्टेम्स गए थे वो सभी को कट कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए, बहुत सारे टर्टल वाइन लगे थे, उनको मैंने निकाल दिया। तो देखिए, मैंने बटर कप के जो सीड्स होते हैं वो सभी इनमें डाला हुआ था, तो बहुत सारे प्लांट्स निकले हुए हैं। देखिए, इनको मैं सेव कर लूँगी बाद में, क्योंकि अभी धूप है तो अभी बिल्कुल इन्हें मैं निकालूँगी नहीं, बाद में निकालूँगी, बरसात में मैं निकाल लूँगी इनको। इनकी प्रूनिंग तो मैंने कर दी है, अब इनमें मैं फर्टिलाइज़र कर दूँगी। सरसों की खली, नीम की खली देती हूँ तो वो दे दूँगी, या फिर वर्मी कंपोस्ट में एक दो मुट्ठी इस गमले के अकॉर्डिंग से दूंगी। दो प्लांट लगे हैं तो दो तीन मुट्ठी तो लगेंगे ही। तो इस तरह से करना है, एक बार प्रूनिंग कर लीजिए, फिर फर्टिलाइज़र कर दीजिए, और पूरे दिन के धूप में रखिए, और पानी मिट्टी सूखने पे दीजिए। और ये देखिए, ये सभी स्टेम्स फैले हुए हैं, तो इनको मैं बांध दूंगी तो अच्छे से शेप ले लेंगे ये। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट।